अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग फाइन। और यकीनन आप सब लोगों ने हमारा जो लाहौर में आउटलेट ओपन हुई है उसका इवेंट बहुत इन्जॉय किया होगा, जो जो लोग वहाँ पे थे हमारे साथ और जो जो लोग जिन्होंने हमारी स्टोरीज़ और हमारे जितने भी वीडियोस देख कर उस इवेंट को इन्जॉय किया है घर बैठ के। और अब ये है कि आप जो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं लाहौर के, वो किसी भी टाइम वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी पसंद के कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकते हैं। और बाकी डेफिनेटली जहाँ जहाँ हमारे आउटलेट्स अभी नहीं हैं बट इंशाल्लाह जल्दी ओपन हो जाएंगी, वो लोग अभी ऑनलाइन जो है शॉपिंग कर सकते हैं। आज ये एपिसोड हमारे बहुत स्पेशल है क्योंकि आपको डेफिनेटली यू नो कि हमारा वेदर थोड़ा चेंज हो गया है, मानसून हो गया है। और उसमें जो है आपका जब भी वेदर चेंज होता है तो आपके स्किन और बाल जो हैं इफ़ेक्ट होते हैं, समटाइम्स इन अ पॉजिटिव वे बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम इन अ वेरी नेगेटिव वे। मानसून में ज़्यादा ही होता है कि हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें चिपचिपाहट आ जाती है। जो ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है ये वेदर, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली होती है, इस वेदर की वजह से और ऑयली हो जाती है। ड्राई स्किन वालों के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, बट जो मुझे लगता है कि हर स्किन टाइप को कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो उसके लिए और स्पेशली ईद भी आने वाली है, तो उसके लिए जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट योर स्किन केयर। और ये है कि हम कौन सी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर की यूज़ कर सकते हैं, उनके क्या उनके यूज़ेस क्या हैं, उनमें कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो किन फार्मूला से मिलकर बनी हुई हैं चीज़ें, और वो कौन कौन सी स्किन टाइप के लिए अच्छी हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको सरप्राइज़ देंगे, वो सरप्राइज़ जो कि हमने डिस्क्लोज़ करना है हमारे दो विनर लकी विनर्स के नाम, जो कि हमारे पास एक वेट एंड वाइट लिपस्टिक का है एंड द अदर वन इज़ फाउंडेशन का। तो आज जिस स्किन केयर प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं इट्स ऑन द लेफ्ट साइड of this table and that is the ordinary products जो कि आपको पता है this is one of the best product for skin and it's in very reasonable price। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो 6 प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं ऑर्डिनरी की, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कौन से स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है, कौन सी चीज़ें मिलकर बनता है और आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टू नो मोर अबाउट द ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी की जो सबसे पहली प्रोडक्ट मैं डिस्कस करूँगी, दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक शिया सीड्स ऑयल एंड दिस इज़ अ डेली बेस का जो है हमारा जो ऑयल है फॉर योर स्किन, इट्स रियली गुड फॉर दैट। दिस इज़ रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 और ये जो एसिड्स होते हैं हमारे ये दोनों, ये आपकी जो स्किन को एक बहुत ही काम इफेक्ट देते हैं। प्लस इसमें है ये जो ऑफर करता है एंटीटॉक्सिडेंट्स और वो जो है डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो बेसिकली अगर इसको फॉर्मुलेटेड हम बताएँ तो ये हमारा डिफरेंट विटामिन्स और एंटीटॉक्सिडेंट्स एंड हमारा जो है ये मिनरल से मिलके बनता है। और इसमें इसका बेनिफिट होता है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसको ये एक इवन टोन बनाता है और आपकी जो स्किन है उसको बहुत अच्छा करता है। प्लस यू कैन यूज़ इट फॉर योर हेयर बिकॉज इस पे मेंशन है कि दिस इज़ गुड फॉर डेली सपोर्ट है ये आपके जो है फॉर्मूला है फॉर योर हेयर एंड स्किन। सो दिस इज़ गुड फॉर योर हेयर, आपके बालों को ये स्ट्रेंथन करता है और एक जो होता है फ्रिजीनेस बालों में होती है वो चीज़ ख़त्म करके और उनको स्मूथ करता है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी की सारी प्रोडक्ट्स में आप उसको कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी होती है, प्लस इनकी वेबसाइट साथ मेंशन होती है, उसमें भी आप आके देख सकते हैं, आप इसके डिफरेंट रिव्यूज़ देख सकते हैं, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हेयर पे यूज़ करते हैं तो आप अगर डेली बेसिस पे या जब भी आपको ज़रूरत हो जब आप शावर लेते हैं तो बाल आपके जो थोड़े गीले होते हैं तो तब आप इसको अप्लाई करें, और जब इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं तो कोई भी वाटर ट्रीटमेंट अगर आप अपना मुँह धोते हैं पानी से अच्छे तरीके से उसके बाद कुछ फ्यू ड्रॉप्स आप इसको लेके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके फेस पे इरिटेशन होती है इसकी वजह से कोई भी रीज़न होता है तो यू शुड स्टॉप यूजिंग इट। अगर ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, अगर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं और आपके फेस पे इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है और आपको लगता है कि वो सही अच्छी नहीं जा रही, तो आप उसको फॉर दैट टाइम उसको आप रोक दें, उसको इस्तेमाल ना करें। आप उसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ पढ़ें अपनी स्किन टाइप को देख के, या फिर आप किसी डॉक्टर से जो है कंसल्ट करें और स्किन केयर को जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें डिफरेंट आपके पास डिफरेंट एंटीटॉक्सिडेंट्स भी होते हैं जो मे बी आपकी स्किन को सूट ना कर रहे हो, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहे होते और मे बी आपने उससे पहले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ की होती हैं। तो जो भी आप स्किन प्रोडक्ट लेते हैं उसको अच्छे तरीके से आपने रिव्यू करना है, अपनी स्किन को आपने देखना है कि कितनी आपकी स्किन पर ज़रूरत है उसकी, कितने अनब्रोकन पैचेस हैं आपकी स्किन पे या ब्रोकन पैचेस हैं, उन चीज़ों को देखते हुए आपने जो है प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई करनी है।
और इस पे भी हर चीज़ का जो है आपने उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो मेंशन होता है, उसकी वेबसाइट का नीचे लिखा होता है, अपनी स्किन टाइप का आप देख के आप उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोडक्ट आपने बाय करनी है वो करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो सेकेंड प्रोडक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी दैट इज़ 100% कोल्ड प्रेस वर्जिन मोरला ऑयल। और जो ये ऑयल है दिस इज़ बेस्ट फॉर हाइड्रेशन। मतलब आजकल का जो डेफिनेटली जैसा मौसम चल रहा है हर चीज़ है उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल। दिस इज़ अनरिफाइंड एंटीटॉक्सिडेंट ऑयल जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द फ्रूट केरला ऑफ मोरला ट्रीज़। और इसमें ये होता है कि everyone who is looking for the solution for frizzy hair, dehydration, uneven skin tone या फिर antioxidant support उनके लिए this is one of the best oil and they claim that ये जो oil है ये morla trees से जो है extract किया जाता है from the Kerala fruit and it is completely unrefined। और इसके बाद इसका जो होता है बहुत सारे जो और ये भी क्लेम करते हैं कि ये आपको जो है एक बहुत ही रेडिएंट स्किन टोन प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही इवन टोन, या आपकी स्किन को सॉफ्टन करते हैं, उसको हाइड्रेट करता है। और उसके अलावा ये जो है आपकी स्किन को जो आपका डिहाइड्रेशन वगैरह हुई होती है उसको कवर करता है। और आप बहुत सारी स्किन टाइप्स के लिए जो है ये बहुत ही परफेक्ट ऑयल है। और इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑन योर हेयर एंड ऑन योर स्किन। और उसके सेम चीज़ है कि आपके साइड पे हमेशा इसकी आप एक प्रिस्क्राइब्ड इसका यूज़ लिखा होता है कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। एक और मैं आपको ट्रिक ये देख सकती हूँ किसी भी स्किन प्रोडक्ट को लेने से पहले कि आप उसको एक पैच टेस्ट कर लें। आप उसको थोड़ा सा जो है अपने किसी भी फेस पे उसको फुल फेस पे अप्लाई करके टेस्ट करने की बजाय आप किसी भी पैच पे जो है उसको अप्लाई करके देख लें एक दिन के लिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे होगा कि इजीली आपको जो होगा प्रोडक्ट का अंदाज़ा हो जाएगा कौन से सूट कर रहे हैं, उसके इफेक्ट कैसे आ रहे हैं आपकी स्किन पे, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करें। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट ऑयल फॉर ऑल द पीपल हु आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस फॉर फ्रिजी हेयर और आपके डिहाइड्रेशन, अनइवन स्किन टोन एंड आपका जो है एंटीटॉक्सिडेंट सपोर्ट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल। आई थिंक यू शुड बाय इट ऑल द पीपल आउट देयर हु नीड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे सीरम वो है हमारे पास बफे मल्टी टेक्नोलॉजी पेप्टाइड सीरम। ये जो है ये वाटर बेस्ड सीरम है हमारे पास जो कि बहुत ही क्लेवरली टारगेट करता है आपके एजिंग स्पॉट्स को स्किन के और इम्प्रूव करता है डिफरेंट आपकी जितनी भी ओवरऑल स्किन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, आपकी लाइंस जितनी भी फेस पे होती है उनको फाइन करता है। रिंकल्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरम। आपकी हाइड्रेशन बूस्ट करता है आपकी स्किन पे, इवन टोन जो है स्किन दे क्या उसको क्या कहते हैं ऑफर करता है इवन टोन स्किन। एंड उसके अलावा पिगमेंटेशन के लिए, एजिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए दिस इज़ द फॉर्मूला यू कैन यूज़ इट। एंड स्पेशली जो कि हमारे जो खवातीन होती हैं जिनकी एज बड़ी होती है उनके लिए जो है या डिफरेंट रीजंस होते हैं अगर आप अपनी स्किन या इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एज, प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड कि एज की वजह से ही आपके फेस पे लाइंस रिंकल्स नहीं आते, इस वजह से भी आते हैं कि अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं करें, उसकी प्रॉपरली टेक केयर नहीं करें तो उस वजह से भी आती हैं। सो डोंट थिंक दैट दिस इज़ ओनली फॉर द पीपल या ओनली फॉर द गर्ल्स आउट देयर जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो रही है और उनको ये यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन को नहीं सही करते और आपको फील हो रहा है कि आपके जो फेस पे इस पर लाइन्स आ रही हैं, स्पेशली आपके जो आईज़ हैं बने हुए यू स्माइल या जो भी है तो उस पर लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरम। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ इसका एक चीज़ ये भी है कि द लॉट ऑफ सीरम्स आपके ऑर्डिनरी में ही, क्योंकि ये दिस इज़ अ केमिकल फार्मूला, इसमें डिफरेंट हमारे जितने डिफरेंट जो है एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट विटामिन्स और ये चीज़ें यूज़ होती हैं, देयर आर फ्यू विटामिन्स जिसके साथ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ विटामिन सी प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट एसिड LAA, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ELAA, एथलेटेड एस्कॉर्बिक एसिड। सो यू कैन रिव्यू दिस प्रोडक्ट, आप इसको 2 वीक्स यूज़ करने के बाद रिव्यू कर सकते हैं। हमारे जो ज़्यादा रिव्यूज़ हमारे पास आते हैं वो यही आते हैं कि आप उनको स्किन जो है वो सही, उसमें स्किन टाइटनिंग फील होती है और उनका जो टेक्सचर है स्किन टोन का वो बहुत ही अच्छा एक रेडियंस सा उनको फील होता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको सुबह और रात को यूज़ कर सकते हैं, जब भी अपना फेस अच्छे तरीके से उसको क्लिनजिंग करके उसको साफ़ करके उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स आप लेके अपने फेस पे अप्लाई करें
और क्या कहते हैं आपकी इससे डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट्स के फाइन लाइंस, रिंकल लाइंस और जो आपके हाइड्रेशन इश्यूज होते हैं वो आपके स्किन में डेफिनेटली बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, दिस इज एन AHA फॉर्मूला विच इज़ अल्फा हाइड्रोसिक एसिड एंड दिस इज़ वेरी सुपरफिशियल फॉर पीलिंग फॉर्मुलेशन एंड इट्स नेम इज़ लैक्टिक एसिड 5% प्लस HA। और इसका ये होता है कि आपकी जो ये टॉप स्किन होती है उसको जो है ये पील ऑफ करता है एज इन अ गुड वे, कि जिससे आपकी जितनी भी अनइवन स्किन टोन होती है उसको ट्रीट करता है, आपका आपकी टेक्सचरल इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उनको ट्रीट करता है, उसके अलावा फाइन लाइंस जो हैं उसको भी जो है ये ट्रीट करता है। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे प्लस HA लिखा हुआ है, इट्स अ हाइलुरोनिक एसिड। जब आपका लैक्टिक एसिड है व्हेन इट एक्सफोलिएट्स द स्किन, तो उसके बाद जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आपको लगता है दैट इट्स जस्ट यू नो योर स्किन इज स्ट्रिपिंग ऑफ, पीलिंग ऑफ कम्प्लीटली। तो उसके लिए आपका हाइड्रेशन आपकी स्किन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको जो है ओवर ड्राई स्किन फील ना हो, बहुत ज़्यादा इरीटेशन फील ना हो, उसके लिए जो इन्होंने ऐड किया है विच इज़ HA हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आपकी स्किन में जो है मॉइस्चर लेवल जो है उसको रिटेन रखता है, जिससे आपकी कोई भी इरिटेशन या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्किन में जो है आपको फील नहीं होती है। सो यू डोंट यूज़ दिस प्रोडक्ट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि इसमें होता है कि आप इसको इट्स डेफिनेटली इट्स आपका एक्सफॉलिएशन स्किन में होता है, तो आप इसको वीक में 2 या 3 दफ़ा यूज़ करें, और या आपने अगर इसको सजेस्ट आपने अपने जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिससे भी आपने लिया उसने अगर आपको सजेस्ट किया तो उसकी सजेशन के अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ करें। मोस्टली जो है इसको आप रात के टाइम यूज़ करें, और उसके अलावा ये है कि इसमें क्योंकि लैक्टिक एसिड में AHA फार्मूला है, तो इसके लिए आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो सकती है, सनबर्न होने का खतरा होता है, तो इसलिए जब भी आप जो है ट्राई करें कि आपका जो इंटरेक्शन है इन सनलाइट या जो है वो जो भी है वो कम हो, और अगर आप जाते भी हैं तो आप जो है बहुत ही सेफ क्लोदिंग जो है वो यूज़ करें, और उसके अलावा सन ब्लॉक जो है वो मस्ट यूज़ करें टू अवॉइड द सनबर्न एंड अदर जो अभी आपके स्किन सेंसिटिविटी की वजह से जो बाकी इफेक्ट्स आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। और आपने बहुत ज़्यादा अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना है और अपने आप को भी हाइड्रेटेड रखना है। ओके, द फिफ्थ थिंग आई एम गोना डिस्कस विद यू, दैट इज़ अमाइनो एसिड प्लस B5। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला, जो कि आपकी ओन अपनी स्किन की जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो है उसको इन्हांस करता है, उसके अलावा आपकी जो स्किन में एक बैरियर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपकी जो है एक बैलेंस लेके आता है आपकी स्किन में। इसके साथ इसमें जो B5 फार्मूला है ये आपके जो आपका फेस का सरफेस है और बिलो सरफेस जो है वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, और जो है ये बहुत ही कोई इरिटेशन या इस तरह की जो आपके स्किन में डिहाइड्रेशन वाली जो भी आपको अगर फील हो रहा होता है तो उस चीज़ को ये रिकवर करता है आपकी स्किन के अंदर। जो अमाइनो एसिड होता है इट वर्क्स वेरी ग्रेट विद डिफरेंट बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके स्किन मॉइस्चराइजिंग के लिए, नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजिंग के लिए अप्लाई होते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया एंड B5 एज वेल टू मॉइस्चराइज योर स्किन। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इसको जो है सुबह या शाम में आफ्टर यूजिंग एनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट यू गोना फील द टिंगलिंग इफेक्ट इन योर स्किन, और अगर आपको वो बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहे हैं, टॉलरेट नहीं हो रही हो, तो आप जो किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में जो है वो उसको डाल के यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। और इसका होता है कि द बेस्ट थिंग अबाउट ऑल दिस प्रोडक्ट्स इज़ कि ये जो है फ्रेगनेंस फ्री है, कोई आपको डिफरेंट जो है आपको स्मेल नहीं आ रही होती किसी भी चीज़ की अपने फेस पे, कि चाहे इट स्मेल दार, इट स्मेल बैड, इट स्मेल गुड, ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्डिनरी आर कम्प्लीटली फ्रेगनेंस फ्री। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द स्किन टाइप ऑफ ऑयल। सो हियर वी हैव बी ऑयल which is very good for all the skin types, either your skin is oily, dry, combination to oily या बहुत ही ज़्यादा over dry होती है, because ये जो है ये बनता है micro algae and squalene and there are other different oils जो हैं बहुत ही natural, जिसमें हमारे पास हमने एक ऑलरेडी डिस्कस किया था मोला ऑयल, वो है उससे बन के ये जो है ऑयल बनता है, और ये आपकी जो स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करता है, उसके अलावा आपका जो होता है एक जो डिफेंस आपकी स्किन में होता है उसको प्रोटेक्ट करता है,
और जितने भी आपके जो फ्री रेडिकल आपके स्किन में आए होते हैं उन चीज़ों को, उन जितने भी उस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस भी, मॉर्निंग इवनिंग में भी, या आप सिर्फ एक दफ़ा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। इसको जस्ट आपको वही है कि फ्यू ड्रॉप्स आपने लेके कोई भी आपको वाटर ट्रीटमेंट जो है उसके बाद अच्छी तरीके से जो है फेस वॉश करके आप उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। और इससे ये होता है कि ये भी फ्रेगनेंस फ्री है और इसका भी आपकी स्किन में एक बहुत ही हाइड्रेशन बूस्ट होती है, आपके जो है आपकी स्किन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट जितने भी फ्री रेडिकल्स आपके स्किन पे आ रहे होते हैं। इसको आप किसी भी स्किन टाइप पे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू यूज़ ऑन एनी स्किन टाइप। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपकी ऑयली स्किन आपको क्या यूज़ करना चाहिए, ड्राई स्किन है क्या यूज़ करना चाहिए, तो आई थिंक फॉर द वेरी स्टार्ट बिफोर यूजिंग ऑल दिस सीरम स्पेसिफिकली यू कैन गो विद बी ऑयल, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे नेचुरल ऑयल्स जो हैं उससे मिलकर ये बनता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय करने से पहले आपने प्लीज़ अगेन ख्याल रखना है कि आप अपनी स्किन के स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बाय करें, बिकॉज ये कोई भी रैंडम मेकअप ब्रांड नहीं है, कोई भी रैंडम मेकअप नहीं है, कोई भी शेड जाके ले लिया आपने आपको सूट कर जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज़ एवरी स्किन केयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप या वो प्रॉब्लम्स जो आपकी स्किन में हैं, जैसे पिगमेंटेशन हो गया, एजिंग हो गया, रिंकल्स हो गए, या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या बहुत ऑयली है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपनी स्किन में, आप उसके अकॉर्डिंगली स्किन केयर प्रोडक्ट्स लें। रैंडमली मत उठाएं प्लीज़। आप इसको डिस्कस कर सकते हैं विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट भी, या आप प्लीज़ पूरा इसको रिसर्च करके बाय करें। किसी के भी कहने पे कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो उठा के अपने फेस पे यूज़ ना करें, क्योंकि स्किन इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जिसको हेल्दी रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं उसका टेम्परेचर जो है उसका बहुत ख्याल रखें। आप उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में ना रखें, एक मीडियम नॉर्मल टेम्परेचर में अपनी प्रोडक्ट्स को रखें ताकि वो इफेक्टिव रहें। अगर टेम्परेचर बाज़ुकात ही होता है कि अगर टेम्परेचर जो है आपका सही नहीं होता तो आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं। अगर हम प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी की बात करें कि ओरिजिनल है या नहीं है, तो आपको पता है कि वेगस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक ब्रांड, या आप कह सकते हैं कि 100% ऑथेंटिक ब्रांड है मेकअप के मामले में, स्किन केयर के मामले में। और इसमें यह होता है कि हम लोग जो हैं डायरेक्ट इम्पोर्ट करते हैं ये प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी, रीसेलर से किसी थर्ड पर्सन से बाय नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में हमारे बहुत सारे कस्टमर्स की या बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि हम लोग जो है कनाडा से तो ये $5 की बाय करते हैं, यहाँ पे इसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। तो देयर आर फ्यू डिफरेंसेस जो कि आप देख सकते हैं कि करेंसी में भी डेफिनेटली, उधर कैनेडियन डॉलर होता है, यहाँ पाकिस्तानी करेंसी है, तो उसमें भी डिफरेंस आता है। प्लस आपके साथ शिपिंग, आपके कस्टम चार्जेस, टैक्स चार्जेस, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। स्टिल इट्स वेरी रीजनेबल इन प्राइस। अगर आप इसको आउटलेट पे आके चेक करते हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी रीजनेबल एट एवरी आउटलेट ऑफ वेगस। इवन ऑन आउटलेट्स ऑनलाइन आप कहीं से भी इसको जाके इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, जिसके लिए आपने जो है शुरू से बहुत वेट किया है। बात करते हैं अपने दो लकी विनर्स के, जिसमें हमारे पास एक विनर है वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक के लिए है, एंड द अदर विनर is for the Wet n Wild foundation। जो हमारे Wet n Wild lipstick की winner हैं उनका नाम है इकरा रफाकत। Congratulations इकरा रफाकत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको हम अपनी ईमेल में सारी डिटेल्स भेज देंगे। प्लीज़ अपना जो शेड है वो आप मैंशन कर दीजिएगा हमारी ईमेल के रिस्पॉन्स में। और उसके बाद हमारी Wet n Wild foundation की जो winner हैं वो हैं दीजा दानिश। आपको बहुत मुबारक हो दीजा दानिश आप विन करने के लिए फाउंडेशन। तो इसमें यह है कि आप अपना जो शेड है ईमेल डिटेल्स में हमें भेज दें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द सेगमेंट्स हमने जो रखे हैं आपके लिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए और हम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हम आगे बहुत ज़्यादा और ऐसे सेगमेंट्स, ऐसे और सरप्राइजेस आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं, हमारे पास डेफिनेटली ईद आने वाली है, उसके लिए हम एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो बनाएंगे और बहुत ही एक्साइटिंग सरप्राइजेस भी लाएंगे आपके लिए। उसको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।